हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर सर्किट के बारे में कि विदाउट एनओ के हम कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड कर सकते कि नहीं। क्या हम बिना एनओ के भी कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग सप्लाई दे सकते हैं कि नहीं, तो इसी टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं इसके सर्किट के बारे में। जैसा कि आपको ड्राइंग के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है कि हम अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर के अंदर एनओ का पॉइंट नहीं है तो हम किस तरह से उसको होल्डिंग सप्लाई प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके लिए कुछ कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जिसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर की कोइल है उसके कोइल वोल्टेज और हमारे कंट्रोल और पावर के सप्लाई वोल्टेज लगभग सेम होने चाहिए। क्योंकि अगर सेम वोल्टेज नहीं हुए तो हमारी कोइल प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मैंने 3-phase 4-wire सप्लाई ली है, जिसमें मैंने कंट्रोलिंग में 230 वोल्ट की सप्लाई का यूज़ किया है, पावर के लिए मोटर में 440 मोटर सप्लाई है। तो आगे हम बात करेंगे इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में कि किस तरह से इसकी कंट्रोल वायरिंग की गई है। कंट्रोल सप्लाई के लिए मैंने 230 वोल्ट एसी सप्लाई का यूज़ किया है और कंट्रोल के लिए मैंने आर फेज़ का यूज़ किया है। अगर हम कंट्रोल के लिए आर फेज़ का यूज़ कर रहे हैं तो हमें होल्डिंग के लिए भी आर फेज़ का ही यूज़ करना है, क्योंकि अगर दूसरा फेज़ लेंगे तो हमारा फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे इसकी कंट्रोल सप्लाई के बारे में। हम आर फेस को कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम पहले इसको MCB से होकर गुजारेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट वाले पुश बटन के इनपुट साइड से निकाल कर आउटपुट से निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हमारी जो थर्मल ओवरलोड रिले है थर्मल ओवरलोड रिले के NC वाले पॉइंट से निकाल कर इससे आउट कर लेंगे। इसका जो रिले का आउटपुट होगा उसको हम स्टॉप पुश बटन के इनपुट में कनेक्ट कर देंगे, फिर स्टॉप पुश बटन का जो आउटपुट निकलेगा उसको हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर के A1 पर कनेक्ट कर देंगे, फिर हम न्यूट्रल को डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर के A2 पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा इंचिंग सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। इंचिंग सर्किट में हम कंडीशन ये होगी कि जब हम स्टार्ट को पुश करेंगे स्टार्ट पुश बटन को तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा, और जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या होल्डिंग सप्लाई चाहिए। तो होल्डिंग सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ना तो कोई एनओ कॉन्ट्रैक्टर स्पेयर में है जिसका हम यूज़ करके इसको होल्डिंग दे सके, तो उसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक है जो कि बहुत ईजी है, आपको बहुत आसान लगेगी और आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटपुट में जो कॉन्ट्रैक्टर से रेड फेज आ रहा है मोटर के लिए, उसी से हम एक लूप उठा के जो हमारे रिले का 96 वाला पॉइंट है उस पर कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि होगा ये कि जब हम मोटर को स्टार्ट कमांड देंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा, और कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा तो हमारे जो मोटर का आउटपुट यहाँ आर फेज निकल रहा है वह हमारे कंटिन्यूसली स्टॉप बटन से होता हुआ हमारे कोयल को मिल जाएगा, जो कि परमानेंटली कोयल को होल्ड कर देगा। तो इस तरह से हम इस सर्किट को पूरा कर लेते हैं। और मैंने साइड में इस रिले के पॉइंट भी बताए हैं कि 95 और 96 ओवर लोड रिले का NC पॉइंट है, और 97 और 98 ओवर लोड रिले का NO पॉइंट हैं, जो कि हमें मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। और रिले के अंदर यहाँ पे जो नॉब होती है उससे हम करंट रेटिंग सेट करते हैं, इसी के साथ में जब रिले ट्रिप हो जाती है तो उसके हम रीसेट बटन से रीसेट कर सकते हैं और टेस्ट भी कर सकते हैं, ट्रिपिंग टेस्ट भी करके परफॉर्म कर सकते हैं इस पर। तो दोस्तों, इस तरह से हम बिना एनओ के भी हम ड्यूल स्टार्टर की वायरिंग कंप्लीट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।